कोरोना से जारी जंग में लॉकडाउन तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। शहर शहर बस यही नज़ारा है, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं पुलिस पर हमला। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी ऐसे सैकड़ों हैं जो लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आते। आगरा में लॉकडाउन का पालन कर रहा पुलिसकर्मी पर एक सिरफिरे युवक ने चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में कांस्टेबल की दो उंगलियों में चोट आई। देखिए, हरि पर्वत क्षेत्र की एक चौकी नेहरू नगर पे कुछ पुलिसकर्मी हमारे बैरिकेडिंग पे चेकिंग कर रहे थे लॉकडाउन का और अच्छे से पालन करवाने के लिए। हम लोग जो भी व्यक्ति आना जाना करता है उसको आइडेंटिटी पूछते हैं, किस लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, सारी चीजें पूछी जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को वहां पे रुकाया गया था। उसको जब सवाल जवाब उसे जब किए जा रहे थे कि कहां वो निकल जा रहा है, अचानक से उसने अपने पास का एक चाकू निकाल के पुलिसकर्मी के ऊपर हमला कर दिया। तो उसके हाथ में जो है पुलिसकर्मी के चोट आई है, चोट छोटी है, उसका इलाज अभी करवाया जा रहा है और इस विषय में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, हरि पर्वत क्षेत्र की एक चौकी नेहरू नगर पे कुछ पुलिसकर्मी हमारे बैरिकेडिंग पे चेकिंग कर रहे थे लॉकडाउन का और अच्छे से पालन करवाने के लिए। हम लोग जो भी व्यक्ति आना जाना करता है उसको आइडेंटिटी पूछते हैं, किस लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, सारी चीजें पूछी जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को वहां पर रुकाया गया था। उसको जब सवाल जवाब उसे जब किए जा रहे थे कि कहां वो निकल जा रहा है, अचानक से उसने अपने पास का एक चाकू निकाल के पुलिसकर्मी के ऊपर हमला कर दिया। तो उसके हाथ में जो है पुलिसकर्मी के चोट आई है, चोट छोटी है, उसका इलाज अभी करवाया जा रहा है और इस विषय में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टपुर न्यूज मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टपुर न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।